डॉक्टर रघुनाथ महापात्र, आपका बहुत बहुत स्वागत है डीडी न्यूज़ में। सबसे पहले तो आपसे यही जानना चाहेंगे कि पत्थरों में श्वास को फूंकने की यह कला, शिल्पकला, इससे आपका परिचय कैसे हुआ और इस यात्रा की शुरुआत कैसे हुई? प्रथम तो हमारा घर का काम है, हमारा पूर्वजों ने पूरी कोणार्क को भुवनेश्वर बनाया है। अच्छा। हमने किसी ट्रेनिंग स्कूल से, कोई कॉलेज से, कोई कहाँ से सीखा नहीं। हमारा ग्रैंडफादर जो हमारा नाना जी है, वो पूरी राजा का शिल्पी थे। अच्छा। हमारा पूर्वजों ने राजा महाराजा का घर से काम करके आए हैं, तो हम इन्हीं से सीखा था। वही काम से पहले से बचपन से देखते देखते, जब हम छोटे थे हमको टीचर ने मारा, हमारा अंगली फट गया था। अच्छा। तो उस समय मेरा नाना जी पूरी राजा का घर का काम करके आने के समय उन्होंने देखा हमारा खून निकलता है, तो उन्होंने बोला ये क्या हुआ? हम बोला हमको टीचर मारा। बोला तुमको पाठ पढ़ने का जरूरत नहीं, तुम बैठ के काम करो। तो उसी समय 7 साल उम्र से मैं इसको सीखा। अच्छा। सीख के पूरी में जो पहले तो इतना काम, अभी जैसे मूर्ति उर्ति चलता है, दुकानदार सब लेते हैं, सब बड़े बड़े जगह एक्सपोर्ट होता है, सब नहीं थे। पूरी बाजार में हम लोग लेके 4 आना 5 आना पैसा में बेचते थे। तो इसे सीख के जब मेरे को 18 साल हो गया, तो भुवनेश्वर में मैं आके हैंडीक्राफ्ट ट्रेनिंग सेंटर में सर्विस किया। सर्विस करके हमने देखा उस समय में हमारा घर में वही कला हम लोग को सिर्फ हम लोग सीखते थे, दूसरे को किसी को सिखाते थे नहीं। तो उसमें क्या होता है, जितना आदमी हमारा घर के आदमी सब रहते थे गाँव घर के पास में, सब वही 10-12 आदमी काम करते थे और कोई नहीं करते थे। हमने देखा है डूब जाएगा, तो जिसका आग्रह था सब लोग को ट्रेनिंग सेंटर में काम सिखा के हम 2000 स्टूडेंट को सिखाया। जब हम प्राचीन मंदिरों की बात करें और प्राचीन भवनों की बात करें, वो आज भी खड़े हैं, लेकिन जो आधुनिक जितने भवन बनते हैं, जो कि आज की इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी से बनते हैं, उनका जो समय होता है वो शायद 20-30 वर्ष की उनकी आयु होती है, उसके बाद वो खत्म हो जाते हैं। ऐसा क्या था प्राचीन शिल्पकला में? ये लोग देखते थे जस कृति सजीवती, जस कृति जो बनता है वो सजीवती, मतलब जितना दिन रहता है ज़्यादा दिन तो इसका टिकाव ज़्यादा सोचते हैं लोग, कि ये मंदिर कितना दिन तक टिकेगा। जैसे आदमी का आयु 100 वर्ष होता है, 60 वर्ष होता है, 70 वर्ष होता है, ऐसे मंदिर वो लोग सोचते थे 1000-1000 वर्ष तक, क्योंकि मंदिर तो बार बार इतना पैसा खर्च कर बना नहीं जा सकता है, इसको सुंदर से सुंदर बना और ज़्यादातर कितना दिन रहेगा वो, इसका चिंता था। तो जिस जगह में लोहे का यूज होता है, सीमेंट का यूज होता है, वो आजकल जो बिल्डिंग होता है वो कम से कम 70-80 वर्ष 100 वर्ष के अंदर में टूट जाता है। वो 1000 वर्ष तक रहा है। अभी पूरी भुवनेश्वर आप देखिए 1500 वर्ष हो गया जी। मंदिर है तो मंदिर जब रहा है उसमें खाली पत्थर में बना गया है। उस समय एक लेप देते थे हम लोग जिसको कराल बोलते थे, कराल चूना और जो गुड़ होता है ना, खाते हैं ना हम लोग गुड़, मिला के इसको गौ को घुमा के घड़ा करके, इसको नाम था उड़िया में घड़ा बोलते हैं इसको, उसके अंदर में डाल के उसको पानी बनाता है। झूना जो धूप देते हैं उसी को मिला के, तीनों चीज मिला के इसको एक अट्ठा जैसा बनाते थे, वो पत्थर के अंदर में डाल के उस पत्थर को लगा देते थे, तो उसमें वाटर प्रूफ हो जाता है, उसमें पानी नहीं जाता है। अच्छा। और हर पत्थर, जैसे हम ईटा का कोई दीवार बनाते हैं एक लेयर रहता है, सीधा सीधा रहता है, वो नहीं होता है, आगे पीछे होके पत्थर रहता है। कोई पत्थर किसी का, एक पत्थर खुलेगा तो 10 पत्थर खुलेगा तो 1 पत्थर खुलेगा, ऐसा टेक्निक था उसमें। अच्छा। तो हिंदू आर्किटेक्चर और बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर की बात करें तो उसमें भी कुछ आपको अंतर नजर आते हैं? भगवान ने ऐसा सृष्टि किया, हर आदमी के साथ में हर आदमी मिलते नहीं, कुछ ना कुछ फर्क है, कुछ ना कुछ अंतर है। तो जैसे बुद्धत्व प्राप्त हो जाता है, सिर्फ देखता है जिसको बुद्धत्व प्राप्त हो जाता है उसका फेस कैसे रहेगा, इसका मुंह का भाव कैसे रहेगा, वो कितना गंभीर हो जाने के बाद में उसको बुद्धत्व प्राप्त होता है, फिर वो अपने फेस से क्या फील करता है वो फेस से मालूम पड़ता है। कोई श्री कृष्ण का मूर्ति बना देगा, उसका बंसरी के ऊपर में भाव रहेगा, राधा के ऊपर में भाव रहेगा, वो देखना पड़ेगा। राधा कृष्ण को देखता है, कृष्ण राधा को देखता है, बंसी को भी देखता है, तीनों को एक आदमी दिखता है, तो इसका भाव अलग अलग होता है, लेकिन एक प्रस्फुटित एक होता है, एक जगह से होता है। ऐसा बुद्धत्व प्राप्त होने के बाद गंभीर आ जाता है। जैसे एक आम के पेड़ में जो फूल होता है ऊपर रहता है, जैसे फल हो जाता है वो नीचे झुक जाता है, ऐसे जब आदमी के अंदर में बुद्धि आ जाता है, बहुत ज्ञान आ जाता है, वो झुक जाता है।
तो इनका ये भाव रहने से बुद्ध, तो वो देख के उन्हें बोला कि आपका बुद्ध का मूर्ति का भाव बहुत अच्छा है, हम आपको जापान ले गए। हम 74 में उनको जापान लेके मेरे को गए थे, और जापान में शांति स्तूपों में भी मंदिर बुद्ध मंदिर मूर्ति बना के आया। कोणार्क मंदिर अपने आप में अद्भुत कला का परिचायक है और कई मायनों में अद्वितीय भी है, तो ऐसे में एक दूसरे कोणार्क मंदिर का निर्माण करने की आवश्यकता क्या है? आदमी के जैसे 100 वर्ष आयु होता है वो मरता है, मंदिर का भी कुछ आयु है, वो तो 1000 साल 10 पीढ़ी तक दिखाया हमको खड़ा होके, कितना दिखाएगा? अभी उसका भी तो खेकित है ना, वो भी एक दिन गिरेगा। तो ऐसे 200 वर्ष का पहले वो मंदिर टूट गया। 200 वर्ष से पहले हमारा हाथ में हमारा जो शिल्प ब्रिटिश ने शासन किया था, मुगल मराठा देश को शासन करता था, हमारा कला को क्यों देखेगा? वो हमारा कला को लूट के ले गया। ब्रिटिश म्यूजियम में अभी कोणार्क का जो सूर्य मूर्ति पूजा होता है वो ब्रिटिश म्यूजियम में है। अभी एक कोणार्क में इंटरप्रिटेशन सेंटर बनाया, उसमें इसके लिए हम लंदन जाके उसको फोटो उठा के लेके आया अभी कोणार्क में बनाने के लिए। वो जो मेन मूर्ति जो चुंबक के अंदर में था, वो मूर्ति लंदन म्यूजियम है। वो जब टूट गया, ब्रिटिशर्स आया उसको बाली उली निकाला, तो भग्न मंदिर था। और बाली के अंदर में जो रेत के अंदर में जो नमक का पानी था वो भी पत्थर को लेकर पत्थर सारा खराब हो गया। अभी वो जो मंदिर है, बड़ा मंदिर टूट गया, उसका पत्थर चारों तरफ में पड़ा है। बड़ा मंदिर को तो हम देखने नहीं मिलता है। जो जगमन है, जगमन को हम आज के 200 साल से आज तक हम कोणार्क करके दिखा रहे हैं। वो भी टूटने वाला है। अभी 10-15 साल में वो टूटेगा, ज्यादातर 20 साल रहेगा, इससे ज्यादा नहीं है, क्योंकि अभी खत्म उसका जो जमीन है नीचे आ गया और ऊपर में जमीन हो गया, अंदर में पानी गिरता है, पानी जम के रहता है, तो पर्यटन देख नहीं पाता है, इतना पानी बारिश के दिन होता है, वो फाउंडेशन में वो मरता है, सारे मूर्ति खराब हो गया। जिस लोग को हमने दिया काम रखने के संभालने के लिए आर्ट्स कॉलेज डिपार्टमेंट ने, ये सारे मंदिर में सादा पत्थर लगा दिया। आप कोणार्क का भी जाके देखो, सादा से सादा पत्थर है। अच्छा, जापान जर्मन लंदन में क्या अच्छा घर नहीं है? वो हमारा देश में आता है घर देखने के लिए, हमारा देश में इससे अच्छा घर है नहीं है। हम भी बाहर जाके देखता हूँ उनका कितना अच्छा अच्छा घर है, वो कला को देखने के लिए आता है। हम अगर सादा पत्थर लगाते हो क्या देखेंगे आके? अभी नया जो कोणार्क है, कोणार्क हम इसको नाम नहीं देके आदित्य नारायण गण नारायण रुद्र अम्बिके भास्कर तथा भिन्ना भिन्न न करते एवं पंचदेव नमस्ते दे। उड़ीसा का और 5-4 मंदिर है, वो 4 मंदिर चारों तरफ देता हूँ, बीच में भास्कर मतलब सूर्य भगवान का मंदिर देता हूँ। उसमें वो जो बड़ा वाला मंदिर टूट गया उसको भी रिपीट करना पड़ेगा, और इसमें सूर्य भगवान को भी रखना पड़ेगा। अरे जो जो चीज हमारा पास में, जो पत्थर को नरम करने का पद्धति है, कराल बनाने का पद्धति है, मौसुदी बनाने का पद्धति है, ये सब जो है बच्चों को सिखाना पड़ेगा। और इसी काम को इनको सिखाने से ये जो कला है, जैसे हमारा शास्त्रीय संगीत है, शास्त्रीय वाद्य है, जैसे जीवित है, वो फिर दोबारा जीवित हो जाएगा। और ये लोग अभी सीख जाएगा तो अकालपुरी टूट जाएगा, भुवनेश्वर टूट जाएगा, तो वही लोग करेंगे। तो अभी आपने बातचीत के दौरान शिल्प शास्त्र का जिक्र किया, तो आपने और क्या आपके पूर्वजों ने इसका उड़िया में आपने इसका संस्कृत में था जी, देवनागरी भाषा में थे। पहले हम लोग का जब अरे एक ताड़पत्र पोथी तो 100-1000 साल नहीं रहेगा, बिल्कुल वो जब खराब हो जाता है, कीड़ा लग जाता है कुछ कुछ दिन के, 200-300 साल के बाद में कीड़ा लगता है। तो हमारे लोग को जो हम लोग नाहक बोलते हैं, जो ताड़पत्र के लोहे का लिखन के ऊपर में लोहे का कलम के ऊपर में ताड़पत्र में लिखते थे, तो वो ताड़पत्र में लिखने के समय में लोहे के कलम में वो क्या होता था ना, वो लोग को पंडित लोग जो होते हैं, ब्राह्मण लोग जो होता है, पंडित वो संस्कृत पढ़ते हैं, वो संस्कृत पढ़ के इसको बोलते थे, उड़िया में लिखता था। अच्छा, वो किताब हमारा पूर्वजों ने रखते हैं, जब खराब होते फिर हम नया उतार देते हैं। ऐसे होते होते 24 पीस तालपत्र के शास्त्र मेरे पास है। रघुनाथ महापात्र जी, आपने हमसे बातचीत की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं भी आपको बहुत धन्यवाद देता हूँ। जगन्नाथ जी आपको सुखी रखे, आनंद से रखे, आपका दूरदर्शन को कृपा करे।